नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। चंबल अंचल कभी डकैतों के लिए कुख्यात एवं विख्यात रहा है, अब पीला सोना सरसों के लिए विख्यात है। वहीं अब एक मामला कैलारस तहसील के किसान रामदीन त्यागी ने चंबल अंचल का नाम रोशन किया है। आप जैविक खेती के माध्यम से चंबल अंचल की पहचान बनाना चाहते हैं? कैलारस के किसान रामदीन त्यागी लखनऊ के भारतीय अनुसंधान केंद्र गुड की ट्रेनिंग लेकर आए हैं और उसी अनुसंधान केंद्र से उन्होंने MU किया है। वह इन दिनों कैलारस में जैविक खेती करके हल्दी टमाटर गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं। जैविक गन्ना उपजाकर 22 प्रकार के फ्लावर से देसी गुड़ का निर्माण कैलारस में इकाई लगाकर उनके द्वारा किया जा रहा है। जो 22 प्रकार के फ्लावर से जो निर्मित गुड़ है वह विभिन्न प्रकार की बीमारियों में भी लाभकारी अंचल के लोगों के लिए साबित हो रहा है। वह विभिन्न प्रकार की वैरायटियों का गुड़ निर्माण कर रहे हैं, जैसे एलोवेरा का गुड़, सोंठ का गुड़, ड्राई फ्रूट का गुड़, मेथी का गुड़ जो डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो रहा है, गोंद का गुड़ जोड़ों के दर्द के लिए लाभकारी गुड़ तैयार किया जाता है। किसान रामदीन त्यागी ने चर्चा करते हुए बताया, कोरोना काल में आम आदमी की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जैविक खेतों को बढ़ावा देने से घातक बीमारियों से निपटा जा सकता है, इसलिए हम जैविक खेती कर रहे हैं और आम किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित करने का काम करते हैं। केमिकल के गुड़ से आम लोगों को कई प्रकार की घातक बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए हमेशा देसी गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। हम बिना केमिकल के देसी गुड़ का निर्माण कर रहे हैं। यह देसी गुड़ देश के कई राज्यों में भेजते हैं। आप वीर सिंह, गुड़ कितने प्रकार का गुड़ बनाते हो, किस तरीके से बनाते हो? गुड़ अपन 10-12 प्रकार के बनाते हैं। पहले अपन ताजा गन्ना मंगवाते हैं, फिर उसमें से कटवा के ताजा ही करवाते हैं, फिर मतलब डाल देते हैं, अपन चालू कर देते हैं कढ़ाई को, और केमिकल का कोई काम नहीं, सिर्फ शुद्ध गुड़ बनाते हैं अपने हाथ की सफाई से, बिंदी को जो डाल के बस बेहतरीन हो जाते हैं। कितने फ्लेवर में गुड़ बनाते हैं? 12 फ्लेवर में। कौन कौन से? एलोवेरा है, सोंठ है, अजवाइन है, और मतलब नारियल है, गोंद है, और इलायची है, बहुत सारे बनाते हैं। एलोवेरा है, मेहंदी है, हल्दी है। यहाँ आपको रोजगार नहीं? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, त्यागी ने रोजगार मिला है। जी मेरा नाम रामदीन त्यागी है। त्यागी जी, आपके यहाँ जो गुड़ बन रहा है, ये गुड़ देसी गुड़ है, कैसे आपने तकनीकी को इस्तेमाल किया और कितने प्रकार का आप गुड़ बनाते हो, उसकी क्या विधि है पूरी? जी अब विधि पूरी बताए तो गन्ना अपन एक तो गन्ना जैविक गन्ना पैदा करते हैं, मेरी सारी खेती जैविक है। इसमें गन्ने के अलावा हल्दी भी लगाता हूँ मैं, टमाटर भी लगाता हूँ, सारी चीज़ें लगाता हूँ। इसके बाद गुड़ को, आजकल गुड़ में क्या है, जहाँ भी गुड़ बन रहा है तो जैसे दूध को सिंथेटिक दूध बना के ख़तरनाक बना दिया, ऐसे गुड़ में तमाम प्रकार के केमिकल डाल के लोग बाज़ार में ला रहे हैं, उनसे गुड़ को गुड़ शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अब इतने केमिकल डालने के बाद वो फ़ायदा की जगह नुकसान करने लगता है। तो ये सोच के हमने एक बिना केमिकल विदाउट केमिकल गुड़ बनाया, और उसमें भी हमने करीब 20-22 फ्लेवर बनाए, जैसे सौंठ का है, अजवाइन है, नारियल है, तिल है, इस तरह से 20-22 प्रकार के फ्लेवर हैं जिनको लोग खूब पसंद कर रहे हैं और लेके जाते हैं। ये जो 20-22 फ्लेवर बना, देखिए पहले तो पहली साल तो हमने सादा ही बनाया था, उसके बाद सौंठ की राब बनाते थे हम, लिक्विड गुड़ कहें उसको, तो उसमें हम सौंठ डाल के बनाते थे। लोगों को सौंठ की राब बहुत पसंद आई तो सोचा कि चलो सौंठ का गुड़ भी बनाएं, तो गुड़ बनाया, तो लोगों ने कहा हाँ ये सौंठ के लड्डू जो बनते हैं ऐसा स्वाद हमें आ, तो फिर वो सौंठ का बनाया। ऐसे ही आंवला, मेरे खुद का आंवला खड़ा है, एक दिन ऐसे बेचारा आया तो उसको कद्दूकस करके सुखा के और फिर उसका गुड़ बनाया, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया उसको। ड्राई फ्रूट का बनाते हैं, इस तरह से जैसे जैसे बेचारा आता गया, लोगों की डिमांड उसके लिए होती गई, जैसे मेथी का है, डायबिटीज वालों ने मेथी का खूब ले रहे हैं, वो बताते भी हैं कि हमारी शुगर इससे नहीं बढ़ती है और खूब गुड़ खाते हैं, तो डायबिटीज वालों के लिए मेथी का बना दिया, जोड़ों के दर्द के वगैरह के लिए अपने गोंद का बना दिया। इस तरह से जैविक खेती करने का विचार तो मेरे 2-5 साल पहले से था, लेकिन अब पिछले ये 2 साल से कोरोना से और मुझे इसके लिए वो मिला बल कि ये बहुत ज़रूरी, कोरोना जैसी घातक बीमारियों के लिए, इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जैविक खेती बहुत आवश्यक है और भविष्य भी इसी का है। तो ये विचार करके मेरे तो खुद के बड़े भाई को मैं बड़ी मुश्किल से कोरोना से बचा के लाया, तो मुझे पता है कि ये चीज़ें शरीर के लिए कितनी इम्यूनिटी पैदा करती हैं, और उनमें भी जो फ्लेवर डाल देते हैं तो और ज़्यादा, जैसे आंवला हुआ तो उसमें कैल्शियम
प्रचुर मात्रा में रहता है, तो इस तरह से जी अभी तो नहीं। ईमानदारी की बात तो यही है कि अभी तक शासन से तो मुझे जैविक खेती में कोई सहयोग नहीं मिला, हालांकि मैंने कोशिश सहयोग लेने की नहीं है, बाकी तो अभी कोई सहयोग नहीं है। जी गुड़ बनाने के लिए भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ है, वहाँ पे गन्ने की तरह तरह की वैरायटियाँ भी रहती हैं और वहाँ एक यूनिट है जो वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, तो लखनऊ से हमारा MAU है, उनकी टेक्निक पे हमने काम किया, ये भट्टी वट्टी सारा वही बना के गए थे उनके इंजीनियर आके। मुरैना से जिला संवाददाता विष्णु पंडित की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।